मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदसुरथिर विहारी हाट बाट नहीं जाय निहारी जनपुर गहति सिलाई दवारी आवत सुख सुनि कै कै नंदिनी हर शीर विपुल जल रूप चंदिनी सजी आरती मुदित उठि धाई द्वारि भेटि भवन आई भरत दुखित परिवार मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो।
कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस बड़े अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।